लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के पहले एक बार फिर से ईवीएम पर सियासत शुरू हो चुकी है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने बीजेपी के अब की बार 400 पार वाले दावे पर निशाना साधा। ये कहा कि बीजेपी किस आधार पर 400 पार होने का दावा कर रही है। लगता है कि बीजेपी ने कुछ गड़बड़ कर रखी है। साथ ही प्रियंका गांधी ने ईवीएम से चुनाव कराने के ऊपर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर ईवीएम में गड़बड़ी ना हो तो बीजेपी 180 से ज्यादा सीट नहीं जीत सकती है। किस आधार पे ये कह रहे हैं कि ये 400 पार होंगे यही जाने। वो कह रहे हैं 370। हाँ या 370। अच्छा, या तो इन्होंने कुछ गड़बड़ पहले से कर रखी है कि इनको मालूम है कि हमें 400 मिलने वाले हैं, है कि नहीं। नहीं तो इस तरह ज्योतिषी के की तरह कैसे कह सकते हैं कि क्या मिल रहा है। हम इतना कह सकते हैं कि अगर इस देश में आज के दिन ऐसा चुनाव हो जिसमें कोई गड़बड़ी नहीं हो, जिसमें ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है, तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ ये 180 से ज्यादा सीट नहीं ले सकते, उससे भी कम लेंगे। तो पहले चरण का मतदान हुआ नहीं, उसके पहले ईवीएम को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी के ऊपर सवाल उठा दिए। उधर बीजेपी नेता तरुण चुग ने कांग्रेस पर पलटवार किया। ये कहा कि चुनाव में अपनी हार देखकर कांग्रेस परेशान है। चुनाव आयोग को जो कि एक संवैधानिक संस्था है उसे बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है, ये कांग्रेस की हताशा है, निराशा है। जबकि इसी ईवीएम ने कर्नाटका में आपको जिताया, आज पंजाब में विपक्ष की सरकार है, दिल्ली में विपक्ष की सरकार है, तमिलनाडु में विपक्ष की सरकार है, केरल में विपक्ष की सरकार है। ये सभी सरकारें इसी ईवीएम की बदौलत बनी है। पर प्रियंका गांधी जी अगर हार है, हार हो रही है, करारी हार हो रही है, तो मान लीजिए आंगन टेढ़ा कहने से कोई मानेगा नहीं, क्योंकि सबको पता है कि कांग्रेस को नाच नहीं आता। हमारी दो हफ्ते पहले तक इंटरनल रिपोर्ट्स पता जो चल रही थी संघ और बीजेपी के आंकलन से 180 पर बीजेपी थी। बीजेपी निरंतर गिरती जा रही है, 150 पार होने के लाले पड़े हुए हैं। बीजेपी भले सार्वजनिक रूप से कुछ भी कहे, निष्पक्ष चुनाव का मतलब होता है मीडिया में, संसाधनों में, संस्थाओं का निष्पक्ष होना। एक इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष संस्था है, जितनी बार वो हमें गलत के लिए अगर हड़काए तो उतनी बार बीजेपी को हड़काए। मोदी जी का मीडिया जितना उनको दिखाए, थोड़े विपक्ष के नेताओं को भी दिखा दे, हमारी भी बात को पहुंचाए, निष्पक्षता इसको कहते हैं। और ये बिल्कुल सच है कि निष्पक्ष चुनाव अगर हो जाए तो लाले पड़े हैं 150 क्रॉस होने के बीजेपी के। और वही कांग्रेस नेता शशि थरूर ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी की बड़ी हार का दावा कर दिया है। उन्होंने कहा कि मुझे 100% यकीन है कि इस बार बीजेपी 300 सीट के आसपास भी नहीं जीत पाएगी। percent sure that the BJP is not coming anywhere near 300. The majority they've got now, they're going to lose their majority, that's pretty sure. और वही तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने बड़ा बयान देते हुए कह दिया कि अगर बैलेट पेपर से चुनाव हुआ तो राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। रेवंत रेड्डी ने आगे ये भी कहा कि दुनिया भर में बैलेट पेपर से चुनाव हो रहे हैं, सिर्फ भारत में ही ईवीएम से भरोसा उठ चुका है। देश का प्राइम मिनिस्टर होने वाले प्राइम मिनिस्टर राहुल गांधी, अभी एलाबरेट बोलने का कुछ नहीं है। अभी 10 साल वाराणसी से प्राइम मिनिस्टर था, वाले दिनों में वायनाड से 20 साल तक प्राइम मिनिस्टर रहेगा। वायनाड लोगों को मैं ये याद दिलाना चाह रहा हूँ कि भाई आप लोग एमपी के लिए वोट नहीं डाल रहे, इस देश का प्रधानमंत्री को आप वोट दे रहे। आने वाले दिनों में केरला और वायनाड तरक्की करने वाले, जो भी फंड्स जरूरी है इतना दिन रोक के रखा है, सब सारे फंड्स फ्लो ऐसा आ जाएंगे कि केरला तरक्की के लिए, साउथ तरक्की के लिए, इसीलिए हम लोग राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाह रहे हैं। और वह भारत के पहले गांव में पहुंची टेलीकॉम कनेक्टिविटी। भारत के पहले गांव कोरेक और गौतक टेलीकॉम कनेक्टिविटी पहुंच चुकी है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति के इन दोनों ही गांवों में टेलीकॉम की कनेक्टिविटी पहुंच चुकी है। यह समुद्र तल से 14,931 फीट ऊपर है। तो हिमाचल के दो गांव तक टेलीकॉम कनेक्टिविटी पहुंची। टाटा टी प्रीमियम देश की चाय करता है, देश के हर वोटर से एक अपील, इस बार देश के साथ नो कॉम्प्रोमाइज, इस चुनाव में वोट जरूर डालें। महाकोश कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, चुनो सही। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकी हमला, बिहार के रहने वाले एक श्रमिक की गोली मारकर हत्या।
गले और पेट में मारी गई थी गोली, अस्पताल में हुई मौत। सलमान खान के घर फायरिंग मामले में मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच का पर्दाफाश। सूत्रों के मुताबिक शूटर्स को फायरिंग के ठीक पहले दी गई थी पिस्तौल। लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई ने डराने के लिए करवाई थी फायरिंग। गृहमंत्री अमित शाह अहमदाबाद गांधीनगर में करेंगे मेगा रोड शो। दिन में 3 भाग में होगा रोड शो। रात में अमित शाह करेंगे जनसभा को संबोधित। 19 अप्रैल को भरेंगे नामांकन। पहले चरण के मतदान के पहले शुरू हुआ ईवीएम पर घमासान। कांग्रेस की प्रियंका गांधी ने दावा किया कि ईवीएम में गड़बड़ी ना हो तो बीजेपी 180 से कम पर सिमट जाएगी। बीजेपी ने किया पलटवार। तरुण चुग ने कहा गांधी परिवार हार देखकर हताशा और निराशा में ईवीएम पर ठीकरा फोड़ रहा है। महाकोश कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, चुनो सही। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। अलर्ट जारी कर दिया। मौसम विभाग के मुताबिक भुवनेश्वर समेत ओडिशा के कई जिलों का अधिकतम तापमान करीब 42 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। इतना ही नहीं, हीट वेव की वजह से लोगों का घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया। भीषण गर्मी को देखते हुए ओडिशा में मजदूरों के 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक काम करने पर रोक लगा दी गई। पंजाब में आचार संहिता लागू होने के बाद अलग अलग जांच एजेंसियों ने मिलकर करीब 244 करोड़ रुपए जब्त करने का दावा किया। बताया गया कि इनमें कैश, शराब, ड्रग्स और दूसरी कीमती चीजें शामिल हैं। इधर उत्तर प्रदेश के मेरठ में आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी की एक रैली में बीजेपी और आरएलडी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। बताया गया कि यह पूरा बवाल तब हुआ जब बीजेपी के एक कार्यकर्ता ने जयंत चौधरी से मिलने के लिए मंच पर जाने की कोशिश की। उसी दौरान आरएलडी के कुछ कार्यकर्ताओं ने उसका विरोध किया और इसी बात पर बीजेपी का वो कार्यकर्ता आरएलडी के कार्यकर्ताओं से भिड़ गया। इसका एक वीडियो भी सामने आया, उसमें मंच के नीचे कई लोग घेर कर एक आदमी के साथ मारपीट करते दिखाई दिए। कोई मुक्के चलाता दिखा तो कोई थप्पड़ चलाता नजर आया। इस दौरान कुछ लोग मारपीट कर रहे लोगों को अलग करने की कोशिश करते रहे, लेकिन इसके बाद भी वहां हंगामा होता रहा। आरोप है कि आरएलडी के कार्यकर्ताओं ने मिलकर बीजेपी के उस कार्यकर्ता की पिटाई कर दी जो मंच पर जयंत चौधरी से मिलने की कोशिश कर रहा था। हालांकि बाद में किसी तरह वो वहां से निकल गया, लेकिन तब तक मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस लोकसभा चुनाव में आरएलडी बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। बीजेपी के साथ गठबंधन में आरएलडी को 2 सीटें बिजनौर और बागपत मिली हैं।